कईयों से जिंदगी भर दूर रहा, मैंने कभी किसी बुराई को टच तक नहीं किया, सिर्फ जो अच्छा था, जो अच्छी पद्धतियां थी उनको मैं अपने जीवन में अपनाता था। लेकिन हुआ ये, इसके बाद भी ऐसी स्थिति हुई कि मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, और उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मेडिसिन उसमें नहीं है। लेकिन मैं जो ले रहा था उनके साथ साथ में होम्योपैथी भी ले रहा था, उसके साथ साथ में आयुर्वेद भी ले रहा था, उसके साथ साथ में मैं प्राकृतिक चिकित्सा भी कर रहा था, कई सारी चीजें कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो मेंटेन नहीं हो रही थी। और मैं 16 गोलियां पर डे के ऊपर था, कितना, 16 टैबलेट पर डे, इतनी स्थिति मेरी खराब थी। 16 टैबलेट पर डे पे मैं था, मेरे सेशंस चल रहे थे, देश विदेश में मेरा काम तो ऑलरेडी चल रहा था। वही मुझे अमेरिका की मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे स्कैंगन मशीन के बारे में बताया 2013 में। उस समय तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुई थी स्कैंगन मशीन, 2013 यानी आज से 10 साल पहले मुझे बताया। और मैंने जब इंटरनेट के ऊपर उसके बारे में सर्च किया, देन आई केम टू नो कि भाई ये चीज तो बड़ी शानदार है, चीज तो बड़ी शानदार है, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो महंगी लग रही है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को फेस करना होता है मेरे दिमाग में भी था। और तीसरी बात, मैंने जब मैंने देखा भाई यहाँ पे एक तो महंगी लग रही है, अच्छा ठीक है महंगी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, चलो मैं विदेश से मंगवा भी लेता हूँ उसको, क्योंकि मेरे विदेशों में इतने सारे स्टूडेंट थे कि मैं किसी को भी बोलता उसको पेमेंट देता तो मुझे विदेश से भी कहीं ना कहीं से, अमेरिका से आ जाती, मलेशिया से आ जाती, कहीं ना कहीं किसी भी जर्मनी से आ जाती, ऑस्ट्रेलिया से आ जाती, न्यूजीलैंड से आ जाती, इंग्लैंड, कहीं से भी आ जाती मेरे पास मशीन। वहाँ पे एक डॉक्टर तारे हैं, होम्योपैथी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मेरे काफी क्लोज है, तो वो पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, मैं स्वयं भी करता हूं, पर मैंने सोचा मैं बायस हो सकता हूं मेरे चीजों को लेके, मैंने उनसे डाउजिंग कराई और कुछ और लोगों से पूछा, तो आई केम टू नो कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छी मशीन है, आप इसको लीजिए। तो मुझे उन्होंने ही बोले कि एक वैभव जी, वैभव साठे जी एक बहुत बढ़िया इंसान है और हमारे नोन है और वो हमारे पास आते हैं, मिलने आते हैं, और उन्होंने मुझे ये पानी भी दिया है, वो कैंगन की जो आप बात कर रहे हो ना, एक बार आप उनसे बात कर। तो उनसे मेरा इंट्रोडक्शन इस तरीके से वैभव भैया के थ्रू हुआ, वैभव भैया का इंट्रोडक्शन मेरा इस तरीके से हुआ। और उस समय अनफॉर्चुनेटली मेरे एक एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरे स्पाइन में चोट आई थी, तो मैंने वैभव जी का नंबर उनसे लेकर उनको फोन लगाया और वैभव जी मेरे घर पे आए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी शक्ल देखने से पहले मैं उनको पेमेंट ट्रांसफर कर चुका था, मतलब कंपनी को ट्रांसफर कर चुका था। मशीन मेरे पास आ गई, उन्होंने लगवाने में मदद करी, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, मशीन लगी और 10 दिन के अंदर, कितने 10 दिन के अंदर, 16 गोलियों में से मेरी 15 गोलियां बंद हो गई थी। सोचिए 10 दिन के अंदर ये मैजिक मेरे साथ हुआ, तो मैं तो इसका फैन हो गया। फिर ये मेरी आत्मा से निकलने लगा ये चीज, कि अरे ये क्या चीज हो गई, ये तो मेरी आत्मा से निकलने लगी कि अरे ये इतना कमाल हो सकती है ना। तो जिस तरीके से ये जर्नी मेरी आगे चली, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, किसी की, और इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, इतने शानदार शानदार, इतने शानदार रिजल्ट्स।